हेलो 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 दोस्तों, गलती से हम लोगों का मोबाइल फ़ोन से फोटोज़ वीडियोस डिलीट हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और बाद में हम लोग फोटोज़ वीडियोस को रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। फोटोज़ तो 2 मिनट के अंदर रिकवरी हो जाती है, लेकिन वीडियोज़ क्या रिकवरी हो पाती है मोबाइल फ़ोन से? करके दिखाऊंगा फोटोज़ वीडियोज़ रिकवरी गारंटी के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो पे इतना ज़्यादा नॉलेज, अगर आप इस टॉपिक का 10 वीडियो यूट्यूब पे देख लोगे ना, तो आपको उतना जानकारी नहीं मिलेगा जितना इस वीडियो पे आपको देखने को, सीखने को और करने को मिलेगा। दोस्तों, पहले हम लोग फोटोज रिकवरी के ऊपर बात करेंगे और ऐसा क्या करूँ जिससे हम किसी फोटोज़ को डिलीट कर दिया हूँ और मैं चाहता हूँ ये कभी रिकवरी ना हो पाए, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, फोटोज़ रिकवरी 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। प्ले स्टोर में इतना सारा ऐप है, कंप्यूटर के ऊपर भी बताऊंगा और आईफोन के ऊपर भी बताऊंगा। लेकिन वीडियोज़ रिकवरी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। दोस्तों, थोड़ा सा सब्र करो, एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर भी बात करेंगे। अगर आप एक आईफोन यूज़र हो तो ऐप स्टोर में आपको काफ़ी सारा ऐप मिल जाएगा फोटो वीडियो रिकवरी के लिए, लेकिन मोस्ट पॉपुलर ऐप है DxDeal, जो कि ऐप स्टोर में अवेलेबल है। और DxDeal एक ऐसा ऐप है जो कंप्यूटर में भी काम करेगा, विंडोज वर्जन भी आपको मिल जाएगा। जो अगर आप कंप्यूटर से फोटो वीडियो रिकवरी करना चाहते हो तो DxDeal आप यूज़ करो। उसके अलावा भी मेरे पास और भी 3 ऐप है दोस्तों, जो फोटोज वीडियोज में आपके सामने डिलीट किया उसको मैं रिकवरी करके दिखाऊंगा एंड्रॉइड फोन से। लेकिन उससे पहले कंप्यूटर का बताना चाहता हूँ, TextDix एक काफ़ी विंडोज ऐप है। उसके बाद रिकोवा, ये भी काफ़ी अच्छा ऐप है फोटो वीडियो रिकवरी के लिए, बहुत ही अच्छा है विंडोज पे। और फोटोरी, ये भी विंडोज़ का ऐप है, लेकिन फोटोज़ का क्वालिटी अच्छा मिलेगा इससे। और मैंने जो DxDeal बताया, अगर आपका OS डिवाइस है तो उसके लिए DxDeal बेस्ट है। दोस्तों, कोई फोटो अगर डिलीट हो जाती है, मान लो 6 MB का है, रिकवरी के टाइम आपको 1 MB का मिलेगा। ऐसा क्यों? नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा उस पर मैं बताऊंगा। आपको क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा, यूट्यूब में ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो क्वालिटी अच्छा वाला दे सके। भाई, मुंह में सभी बताता है लेकिन करने के टाइम ना किसी से नहीं होते। अभी एंड्रॉइड फोन में फोटो रिकवरी करके आपको दिखाऊंगा, उसके बाद वीडियो रिकवरी करके दिखाऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्या करोगे अब जिससे आपका फोटो रिकवरी कभी ना होगा, ठीक है? तो वीडियो को देखते रहो डिटेल्स में। दोस्तों, आपको अभी मैं फोटो रिकवरी करके दिखाऊंगा। प्ले स्टोर ओपन करो, इधर सिंपली सर्च करो फोटो रिकवरी ऐप, बहुत सारा ऐप आ जाएगा, लेकिन इनमें से नंबर 1 बेस्ट, काफ़ी पुराना तगड़ा वाला ऐप की अगर मैं बात करूँ ना, तो DxDeal फोटो रिकवरी। भाई, इससे बस फोटो रिकवरी होता है, वीडियो रिकवरी के ऊपर चलेंगे, थोड़ा सा वेट करो। तो दोस्तों, 2 साल 3 साल पुराना फोटो भी DxDeal रिकवरी कर देते हैं। कैसे? अभी रुको, बताता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि कोई फोटो रिकवरी ना हो, तो DxDeal ऐप के अंदर फोटो रिकवरी करके अगर आप डिलीट कर दोगे तो वो वाला फोटो कभी रिकवरी नहीं होगा। तो कैसे DxDeal फोटो रिकवरी कर लेते हैं, थोड़ा सा चंद सेकंड में आपको समझाता हूँ, ठीक है? मेरे पास जब कोई फोटो वीडियो डिलीट हो जाती है ना, तो हम लोगों का मोबाइल के अंदर रह जाती है, ठीक है? आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, आपके फोन में भी बहुत सारा ऐसा पड़ा रहे होगा, आपने कभी कभी इसको डिलीट भी कर चुके हैं। तो भाई, यही है हम लोगों का डिलीट हो गया फोटोज और वीडियोज। दोस्तों, एकदम गारंटी है, DxDeal से फोटो रिकवरी हो जाएगा। बस आपको सर्च कर लेना है, ये जो सर्च वाला बटन दिख रहा है, तो भाई सर्च करने से पहले आपको इसका फाइल का परमिशन देना होगा। सिंपली इसको फाइल का परमिशन कर दो और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ भाई, इससे फोटो रिकवरी हो जाएगा। तो भाई सर्च हो रहा है, अगर आप चाहते हो कि फोटो कभी रिकवरी ना हो तो वो वाला फीचर्स में इसमें अवेलेबल है। तो भाई, इसमें और एक चीज़ जो मुझे खराब लगा कि मेरे फ़ोन में जो सारा फोटो अवेलेबल है ऑलरेडी, उसको भी इधर ऐप के अंदर लेकर रख देगा और जो डिलीट हो चुका है उसको भी रख देगा, और वीडियो के अंदर वीडियो का छोटा छोटा फोटोज बना के इधर रख देगा। तो आपको ढूंढना है और काफ़ी सारा फोटोज इधर आ जाएगा जो फ़ोन में ऑलरेडी है और वीडियो के अंदर फोटो बना के डाल देगा, तो ढूंढना काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, ठीक है? तो मैं जब फोटो डिलीट किया था, सबको ढूंढना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 13,000 स्कैन करने के बाद 13,000 के आसपास भाई इधर फोटोज आ चुके हैं। तो उनमें से भाई मुझे एक फोटो मिल गया, मैंने सिलेक्ट कर दिया और एक फोटोज को मैं ढूंढता हूँ। तो आपको इस तरह से ढूंढना है, ठीक है? थोड़ा सा सब्र रख के ढूंढना है, तब सारे फोटो मिलेगा। रिसेंटली डिलीट हो गया, सारे फोटोज मिल जाएगा, लेकिन जो पुराने वाला फोटोज है ना, उसमें कुछ मिलेगा कुछ ना मिलेगा, ठीक है? तो सिलेक्ट मैंने 2 कर लिया, नीचे रिकवरी के ऊपर प्रेस करके फाइल के ऊपर मैं प्रेस करूंगा और एक फाइल के अंदर इस फोटोज को मैं रिकवरी करके आपको दिखाऊंगा कि देखो भाई फोटो रिकवरी इधर होता है। तो मैं इधर एक फोल्डर बना लेता हूँ AAA करके, और इस वाला फोल्डर के अंदर भाई मैं इन 2 फोटोज को रख देता हूँ और गैलरी के अंदर जाके दिखाता हूँ कि भाई फोटो रिकवरी हुआ है या फिर नहीं। दोस्तों, अभी मैं गैलरी के अंदर आ चुका हूं, नीचे की तरफ को AA करके फोल्डर दिख रहे हैं, उसके अंदर 2 फोटो जो मैंने DxDeal से डिलीट हो गया फोटो को मैंने रिकवरी किया है। तो प्रूफ आप लोगों ने देख लिया, अभी वीडियो रिकवरी आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर ओपन करके सर्च करोगे वीडियो रिकवरी, तो बहुत सारा ऐप आपके सामने आ जाएगा। एक ऐप को छोड़ के सारे ऐप फालतू का है भाई। इधर जो ऐप दिखा रहे हैं ना, एक भी ऐप से वीडियो रिकवरी नहीं होता है। फोटो रिकवरी तो यार 2 मिनट के अंदर हो जाते हैं, लेकिन वीडियो रिकवरी उतना ईजी नहीं है। तो प्ले स्टोर में एक ऐप है जिसका नाम है ऑल रिकवरी। तो भाई, इससे भी यार वीडियो रिकवरी आपका हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका किस्मत अच्छा है तो आपका वीडियो भाई रिकवरी हो सकता है, ठीक है?
दोस्तों आपको ऐप को ओपन कर लेना तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ कोने में प्रोसेस लिखा हुआ आएगा, तो प्रोसेस करने के बाद वीडियो रिकवरी वाला ऑप्शन पे प्रेस करके आपको स्कैन पे लगा देना है। तो भाई स्कैन जब होगा ना आपके मोबाइल के अंदर जितना सारा वीडियो है सारे वीडियो इधर शो होने लगेगा, उसके साथ जो डिलीट हो चुका है वो भी इधर आएगा, आपको बस ढूंढ लेना है। तो गाइज मान लो कि आपका 50 वीडियो डिलीट हुआ है तो आपको 5-10 इधर मिलेगा। फोटोज़ में क्या होती है, फोटोज़ एक थंबनेल के थ्रू मोबाइल के अंदर रह जाते हैं लेकिन वीडियो एक चलता वाला प्रोसेस है। तो इसीलिए भाई जब आप उसको डिलीट करके परमानेंटली डिलीट कर देते हो तो मोबाइल में वो रहने का एक्सेस जो है ना वो काफ़ी कम पाता है। जो मोबाइल में रह जाते हैं आपको वो वाला मिलेगा लेकिन लंबा लंबा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, छोटा छोटा मान लो कि 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, अगर इतना लेंथ में का वीडियो है तो आपको मिल जाएगा। तो मैं इससे पहले वीडियो रिकवरी कर चुका हूँ, आप करो और कमेंट में थैंक्स लिख के जाना, नाइस लिख के जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।